सो गाइस, पिछले वीडियो में हमने बताया था कि जेंस का जो कोर्स है, जो हमारा 1 दिसंबर से स्टार्ट होने वाला है, 1 दिसंबर से, उसमें मैंने बोला था कि जेंस का और लेडीज जेंस का दोनों का अलग अलग है, तो आप कौन सा करवाना चाहते हो। ठीक है, आपका जब भी कॉल आता है, कोई स्टूडेंट कॉल करता है, तो मैं यही बोलता हूँ कि आपको जेंस का करना है कि लेडीज और जेंट्स दोनों का करना है। तो वो जवाब देते हैं, सर लेडीज जेंट्स में क्या फर्क है और सिर्फ जेंट्स में क्या फर्क, तो वही डाउट क्लियर करने वाला मैं इस वीडियो में। पिछले वीडियो में मैंने बताया था ओनली जेंट्स के कोर्स लेंगे आप, तो उसमें क्या क्या आने वाला है, तो वो वीडियो भी जरूर से देख लीजिए। फिलहाल तो हम लेडीज जेंट्स दोनों का बताने वाले हैं ये वीडियो में। तो देखिए, पहले नंबर पर होने वाला है थ्रेडिंग, आईब्रो वगैरह करना, वो भी शेप देने का बहुत सी मतलब सर्विस है उसमें एक ही में। ठीक है, दूसरे नंबर पर है ब्लीच। अभी देखिए, उसमें भी ब्लीच बोला था, इसमें भी ब्लीच बोला था। ब्लीच का कंसेप्ट कैसे क्लियर मतलब अलग अलग हो सकता है। देखिए, लेडीज की स्किन टोन अलग होगी, जेंट्स की स्किन टोन अलग होगी। लेडीज के ऊपर स्किन पे बाल नहीं होते पहली बात तो ज्यादातर, और जेंट्स के ऊपर दाढ़ी वगैरह होता है, तो उसको मेंटेन भी करना चाहिए और अच्छे से करना पड़ता है, इसके लिए वो अलग सर्विस में माना जाता है। देखिए, अभी फेशियल है, फेशियल भी बहुत से प्रकार के, हाइड्रा फेशियल है, स्टीमिंग फेशियल है, बहुत से प्रकार के। अभी लेडीज जेंट्स में ये भी आने वाला है। देखो, डिटेन है, डिटेन में भी मैंने बोला स्किन टोन अलग होता है। पांचवें नंबर पर है क्लीनअप, मतलब किसी को इंस्टेंट ग्लो चाहिए तो उसके लिए आप क्लीनअप रिकमेंड कर सकते हो। सातवां है बॉडी वैक्स, ज्यादातर लेडीज ही करवाती है, लेकिन आपको सीखना पड़ेगा अगर आप लेडीज जेंट्स दोनों का करते हो। ठीक है, और बॉडी वैक्स भी आया। अभी दूसरा, आठवां है मेकअप। अभी मेकअप बहुत से प्रकार के होते हैं, देखिए जैसे कि 9 नंबर ब्राइडल मेकअप, 3D मेकअप, HD मेकअप, वाटरप्रूफ मेकअप, ऐसे बहुत से मेकअप है, वो भी आने वाले हैं। जेंट्स, अगर जेंट्स वीडियो देख रहे हैं तो उसके लिए भी है। अगर आप लेडीज जेंट्स दोनों का करेंगे तो शायद से आपको जॉब भी कर रहे हैं तब भी आपको यूनिसेक्स सैलून में जॉब आसानी से मिल सकता है। अगर आप सिर्फ जेंट्स का करते हो तो आपको यूनिसेक्स सैलून में जॉब नहीं मिलेगा। अगर मिलेगा भी तब भी आपको ज्यादा पैसा आप कमा नहीं सकते, क्योंकि ज्यादातर पैसा लेडीज में ही है। ठीक है, और 10वें नंबर पर है प्रोडक्ट नॉलेज। जैसे कि स्किन टोन का मैंने बोला, कौन सी स्किन पर कौन सा प्रोडक्ट सूट करेगा, कौन से वालों पर कौन सा प्रोडक्ट यूज करेगा, ये भी एक सर्विस है, ये भी एक आर्ट है, इसके बारे में भी बताया जाएगा वो वाले कोर्स में। लेडीज दोनों का ही बात हो रही है यहाँ पर। और 11वें नंबर पर है लेडीज हेयर कट। अभी लेडीज हेयर कट भी बहुत से प्रकार के, 4-5 प्रकार के, ज्यादा भी, इससे ज्यादा भी बहुत से हेयर कट है, वो भी सिखाए जाएंगे जेंट्स को। लेडीज देख रही है उनके लिए भी, जेंट्स देख रहे हैं उनके लिए भी, सबके लिए होने वाला है। देखिए, ये कोर्स करके आप फैमिली सैलून डाल सकते हो, यानी कि एक फैमिली को पूरा सर्विस दे सकते हो, जैसे कि मैंने अभी डाला। मेरे बाकी की वीडियो देख लेना आप, मैंने यूनिसेक्स सैलून ओपन किया है। और 13वें नंबर पर है हेयर कर्लिंग, जैसे कि हेयर कर्ली करते ना लेडीज, हेयर स्टाइल वगैरह, वो भी आने वाला है। 14वें नंबर पर है हेयर स्पा। अभी हेयर स्पा भी देखिए, कोई एक्टिविटर वाले हेयर स्पा होती है, कोई नॉर्मल हेयर स्पा, तो वो दोनों बताए जाएंगे। ये जो एडवांस कोर्स है इसमें, वो भी एडवांस ही है, लेकिन वहां पर सिर्फ जेंट्स का है। 15वें नंबर पर है हेयर स्टाइल, बहुत सी प्रकार की हेयर स्टाइल है ब्राइडल के लिए लगती है, तो वो भी सिखाए जाएंगे गाइस, जेंट्स को भी और लेडीज को भी। और 16वें नंबर पर है सीजर होल्डिंग, प्रोफेशनल तरीका, लेडीज हो या जेंट्स हो, सेम प्रोफेशनल तरीका सिखाया जाएगा आपको, सीजर कैसे पकड़े। या तो कोई कोई लेडीज ऐसा करते हैं, हेयर कट करते समय सीजर नीचे रख देते हैं और कॉम की मदद से काम करते हैं, फिर कॉम नीचे रख देते हैं, फिर सीजर उठाते हैं, ये गलती ना करो, इसके लिए ये कोर्स आपको करना पड़ेगा। जरूरी नहीं है कि आपको करना पड़ेगा, आपको ऐसा लगता है कि मेरे लायक है तो आप बिंदास आओ, रहना हमारे तरफ है, खाने का हम आपको मेस लगवा देंगे, खाने का आपके तरफ रहने वाला है। सो गाइस, 17वें नंबर पर है स्टीमर फेशियल, जैसे कि वाप देकर फेशियल किया जाता है, वो सब इसमें ऐड होने वाला है, उसमें भी बताएंगे। और शायद से हाइड्रा फेशियल भी इन्वॉल्व हो सकता है ये जो बैच चालू होने वाले है 1 दिसंबर से उसमें। और 25 नवंबर को एडमिशन स्टार्ट है, किसी को कोर्स करना है तो जल्दी संपर्क करें, कॉन्टेक्ट करें, क्योंकि 50 स्टूडेंट से ज्यादा नहीं ले सकता, या तो 30 या तो 50, बस इससे ज्यादा नहीं ले सकता। अभी वो एकेडमी मैं देख के आया हूँ, उसके हिसाब से मुझे मैनेज करना पड़ेगा। 18वें नंबर पर है सलोन मार्केटिंग, जैसे कि मैंने वहां पर भी बोला है, सलोन मार्केटिंग हर किसी को सिखाया जाएगा, ये भी एक सर्विस है, एक आर्ट है, एक समझदारी है। मार्केटिंग नहीं आएंगे तो आप सलोन रन नहीं कर सकते अच्छे से। 19वें नंबर पर है सलोन मैनेजमेंट, स्टाफ को कैसे मैनेज करें, प्लस आपको मैंने एक बात बतानी भूल गया पिछले वीडियो में भी,
अगर कोई हमारी एकेडमी में सीख के जाता है तो हम आपको स्टाफ भी प्रोवाइड करेंगे। जैसे कि समझ लो नील भाई अहमदाबाद से आए हैं हमारे नील भाई, तो उन्होंने कोर्स किया, तो वो अगर सलून सेटअप करते वो बोलेंगे सर मुझे स्टाफ चाहिए मैनेजमेंट चाहिए, तो हम वो भी प्रोवाइड करेंगे उनको, क्योंकि उन्होंने हमारी एजेडी हेरन मेकअप एकेडमी से कोर्स किया था इसलिए। प्लस हम आप उनको अगर वो बोलेंगे सर मुझे जॉब चाहिए तो हम वो जॉब भी प्रोवाइड करेंगे। और 20 नंबर पे आता है हेयर साइंस। हेयर के साइंस आपको मैंने पिछले वीडियो में भी बताया कि हेयर का मतलब वर्जन बालों के लिए कौन से प्रोडक्ट यूज किए जाते हैं, अगर कोई कलर हेना कोटेड कलर करके आया है उसके ऊपर भी कोई कलर करना है या तो कोई सर्विस करनी है तो क्या प्रोसेस होने वाले हैं, जैसे कि स्ट्रेटनिंग करते हो तो एक्स्ट्रा रेजिस्टेंट क्या यूज करे, ये हेयर साइंस के बारे में भी बताया जाएगा। बहुत सी चीजें, आप पहले एडमिशन करो आ जाओ उसके बाद ही आपको पता लगेगा। बहुत सी सर्विस है इसमें ही इन्वॉल्व है, लेकिन बहुत सी सर्विस छोटी छोटी बड़ी बड़ी वो बताया नहीं है। और 21वें नंबर पर है कलर मिक्सिंग। देखिए सबको कलर करना आता है, यूट्यूब पे देख के प्री लाइट करते थे समझ लेते हैं कलर, कोई कोई दस तक लिफ्टिंग भी आती है लेकिन उसके बाद ना वो क्या करते हैं सिल्वर करने थे वाइट हो गए छोड़ दो प्री लाइट करके छोड़ देते, नहीं कलर मिक्सिंग यानी कि अगर समझ लो येलो और पर्पल कलर को मिक्स करेंगे तो कौन सा शेड आएगा ऐसा सिखाया जाएगा यहाँ पर, ठीक है। तो उसका मतलब डीम हो जाएगा वो कलर, स्ट्रांग वाला कौन सा कलर है येलो तो वो डीम हो जाएगा वैसे ग्रीन हो जाएगा, ऐसा कुछ साइंस बताया जाएगा कलर के बारे में, कलर मिक्सिंग। 22वें नंबर पर है कलर डिपॉजिट। आप काफी लोग ना प्रीलाइट करके छोड़ देते हैं तो वो नहीं करना होता है क्योंकि बाल डैमेज हो सकते हैं, कुछ टाइम तक करना है तो कर सकते हो लेकिन फिर भी आपको कलर डिपॉजिट करना पड़ता है। कोई कोई गोल्डन कलर करने आते हैं तो गोल्डन कलर तो प्रीलाइट से भी दिखता है, तो कोई कोई क्या सोचता है कि हमने कलर कर दिया, नहीं वो कलर किया नहीं आपने, भले आप ज्यादा पैसे ले लिए लेकिन कलर डिपॉजिट करना पड़ता है, तो वो भी सिखाया जाएगा। गाइस आप जरूर से आओ, मेरा नंबर है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप एड्रेस वगैरह सब वहाँ पर मेंशन किया हुआ है, सामान के लिंक्स भी दिए हैं, किसी को सामान चाहिए तो वो परचेज कर सकता है, प्लस किसी को कोर्स करना है तो वो मुझे फोन करे कांटेक्ट करे, एड्रेस वगैरह सब है, पूरी डिटेल्स लीजिए और कॉल करके, ठीक है। और 23वें नंबर पर स्किन टोन के बारे में बताया जाएगा गाइस, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कौन कौन से केमिकल कोई कोई कंपनी देखिए लॉरियल की कंपनी क्या रिकमेंड करती है, कौन सी स्किन पे कौन सा प्रोडक्ट करे, कौन से हेयर पर कौन सा प्रोडक्ट करे, अभी शॉस्कोप अलग बोलता है वेला अलग बोलता है, ऐसा सब साइंस बताया जाएगा आपको, इसके लिए आपको कोर्स करना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात देखिए, आप घर बैठ के यूट्यूब पर वीडियो देखते हो ठीक है, लेकिन वहां पर इतना ज्यादा डीप नॉलेज नहीं दिया जाता जितना कि एकेडमीज में मिलता है, ठीक है। अभी वहां पर आपको कोई पकड़ के ऐसे नहीं करवाते, वो तो उनका एक्सपीरियंस होता है, हमने 1:1 ऐसा कोई बोलता है, अगर कोई वीडियो में बोलता भी है तब भी वो 1:1 नहीं करता, 1:1 एंड हाफ करता है, ऐसी गलतियां होती है। कोई कोई कलर करता है, चलो सिल्वर कलर कर रहे हो या फंकी कलर ब्लू कलर कर रहे हो तो वो कलर प्रॉपर क्यों इवन क्यों नहीं आता, वो उसकी एक गलती है। वीडियोस में बताया जाता है कि हम प्रीलाइट करने के लिए 45 मिनट तक रख गया, क्या पता वो ज्यादा भी रखते हो, क्या पता वो 1:1 करता है कि 1:1 एंड हाफ करता है, ऐसी गलतियां नहीं दिखाई जाती क्योंकि वो मिक्सिंग आपको हर बार वही नहीं दिखाते, ठीक है। वो एकेडमी में सीखना पड़ेगा आपको, सब कुछ पॉसिबल है घर बैठ के सीखना, लेकिन हर कुछ पॉसिबल भी नहीं है गाइस, इतना ज़्यादा पॉसिबल भी नहीं है कि घर बैठे सीख जाए, क्योंकि मैंने खुद एक्सप्लेन किया, मैंने खुद देखा है, एकेडमी में अलग है और वीडियोस के थ्रू अलग बताया जाता है, वीडियोस के थ्रू व्यूज के लिए उनको रिजल्ट चाहिए, सिर्फ रिजल्ट दिखाया जाता है लेकिन सिखाया भी जाता है, भगवान है यूट्यूब, मैं मानता हूँ भगवान है यूट्यूब, लेकिन फिर भी आप लोगों को एकेडमी ज्वाइन करेंगे तो उससे कुछ अलग ही मिलने वाला है गाइस। तो वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें सब्सक्राइब करें, ऐसे ही वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, 1 दिसंबर से बैच चालू होने वाली है और 25 नवंबर को एडमिशन स्टार्ट होने वाला है, 29 नवंबर तक एडमिशन स्टार्ट है, तो जल्दी से कांटेक्ट कीजिए, मेरा नंबर है। और गाइस ये जो एकेडमी देख रहे हो ये चेंज होने वाली है गाइस अगली बैच में, तो आप जरूर से आइए, ऑल द बेस्ट, और जरूर कांटेक्ट कीजिए अगर किसी को कोर्स करना है तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, धन्यवाद।